हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा, भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे अस्थमा, जिसको हम दमा भी कहते हैं, अस्थमा के नाम से भी बोलते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि अस्थमा के जो साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अस्थमा होता कैसे है, अस्थमा के कॉजेज क्या होते हैं, और हमारी बॉडी पर क्या हमें साइन एंड सिम्टम ऐसे नज़र आते हैं जो कि अस्थमा के होते हैं, जिसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, जिसको हम किसी और डिजीज़ से कंपेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि अस्थमा के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। देखिए, अस्थमा में जो हमें सिम्टम दिखते हैं, जो हमारी बॉडी हमें बताती है, हमारी बॉडी में जो तकलीफ़ें आ रही होती है, वो पहला होता है ब्रेथलेसनेस। हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस होगी, रैपिड ब्रीथिंग होगी, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, अगर थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो हमारी सांस फूलने लगेगी। तो ये पहला सिम्टम हुआ ब्रेथलेसनेस। सेकेंड सिम्टम होता है वीजिंग साउंड। जब हम सांस ले रहे हैं तो वीजिंग साउंड आएगी, गड़गड़ाहट महसूस होगी। अगर आपके डॉक्टर स्टेथोस्कोप से आपका रेस्पिरेटरी चेकअप करेंगे तो उससे उनको लगेगा कि आपकी जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की जो साउंड, इंस्पिरेशन के टाइम पे जो साउंड आ रही है, एक्सपिरेशन के टाइम पर जो साउंड आ रही है, उसमें गड़गड़ाहट वीजिंग साउंड आ रही है। तो ये दूसरा सिम्टम हुआ जो कि अस्थमा के पेशेंट की बॉडी में नज़र आते हैं। थर्ड सिम्टम होता है चेस्ट टाइटनेस। ऐसा लगता है कि चेस्ट पर कुछ जकड़न हो रही है, कुछ भारीपन हो गया है। ये अस्थमा के पेशेंट को फील होता है, महसूस होता है कि वो थोड़ी उसकी जो छाती है वो जकड़ गई है, भारीपन उसको महसूस होता है। तो ये कुछ सिम्टम है जो कि अस्थमा के पेशेंट, जो कि जिसको अस्थमा हुआ है या जिसको अस्थमा डायग्नोज भी नहीं हुआ है, उस ऐसे इंसान को ये चीज़ें महसूस हो रही है। कुछ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, सिम्टम बताए, अगर ये किसी को महसूस हो रहे हैं तो ये अस्थमा के सिम्टम हो सकते हैं। ये अस्थमा को कुछ के सिम्टम अस्थमा की तरफ, ये कुछ पॉइंट्स हमें डायग्नोसिस की तरफ लेकर जा सकते हैं कि उस पेशेंट को अस्थमा है, दमा है, सांस का रोग है, सांस की मांसपेशियों में सूजन आ गई है। तो अब हम बात करते हैं कि अस्थमा होता कैसे है, कि अस्थमा के कॉजेज क्या होते हैं, कि क्यों किसी की बॉडी में अस्थमा आ रहा है, क्यों किसी को ये सिम्टम्स मिल रहे हैं कि उसकी सांस फूल रही है, उसको जकड़न महसूस हो रही है, उसको वीजिंग साउंड आ रही है। तो जानते हैं हम कि कॉजेज़ क्या होते हैं उसके। तो पहला उसका जो कॉज होता है इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन कैसे होगी बॉडी में, हमारे जो एयरवे सिस्टम होता है, एयरवे सिस्टम हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है उसके अंदर किसी भी ट्रिगरिंग फैक्टर के लिए। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होगी तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। एयरवे सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जब एयरवे सिस्टम में इन्फ्लेमेशन होगी तो उसमें सूजन आ जाती है। जब कहीं पर भी सूजन आती है तो वहाँ की जो सिस्टम है वो नैरो हो जाती है, और जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है एयरवेज़ की वो डिटोरिएट हो जाती है, बिकॉज़ क्योंकि वहाँ पे नैरोइंग हो गई है। अब जब नैरो हो गए हमारे एयरवे सिस्टम तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और दूसरा इसका कॉज होता है कि जो म्यूकस का जो प्रोडक्शन होता है, हमारी बॉडी में कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका एक मेन फंक्शन होता है। ऐसे ही म्यूकस का फंक्शन होता है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, कोई भी बाहर की जो तत्व है जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, उसको कैच करना और बॉडी में जाने से रोकना। ऐसे ही म्यूकस, अगर उसको कुछ फॉरेन एंटीजन मिलता है, कोई फॉरेन पार्टिकल मिलता है, तो वो उसको रोक लेता है, उसको रोक कर उसको एक्सक्रीट करने की कोशिश करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो अस्थमा के केसेस में म्यूकस कॉन्टैक्ट में आता है ट्रिगरिंग फैक्टर्स के, पोलन डस्ट से, अगर किसी को एलर्जी है पेट से, पोलन डस्ट से, या कोई भी किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। तो अगर वो ट्रिगरिंग फैक्टर म्यूकस के कॉन्टैक्ट में आया तो म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो पहले मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन हो रही है एयरवे सिस्टम में, दूसरा हो रहा है कि वहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ये दोनों, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही है, तो ये दोनों हमारे एयरवे सिस्टम को हार्म कर रहे हैं। हमें सांस लेने में दिक्कत होगी और जो एयरवे सिस्टम है वहाँ पे वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्टिकल कुछ क्रिएट हो रहा है। वहाँ पे गड़गड़ाहट इसलिए आएगी क्योंकि वहाँ पे कुछ बीच में, एयरवे सिस्टम के बीच में कुछ रुकावट आ रही है। इसीलिए ये कुछ अस्थमा की कॉजेज़ होती है जो अभी मैंने आपको बताया।
तो अगर आपको अस्थमा, ये दमा के, सांस फूलने के, सांस की बीमारी के कुछ सिम्टम आपको महसूस हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, इसको इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि ये आगे जाकर आपको बहुत तकलीफ दे सकती है। एंड मेन थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अस्थमा होता है उसका डाई यूरिनल पैटर्न होता है, ये सुबह में और आपको रात में ज़्यादा परेशान करता है। सुबह में म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और आपको जो ब्रेथलेसनेस होगी वो भी आपको सुबह में ज़्यादा महसूस होगी, और जब रात में आप सोने जाते हैं और या फिर सो रहे होते हैं तब आपको ब्रेथलेसनेस, आपको एंजाइटी अटैक और ब्रेथलेसनेस के अटैक्स आएंगे, जिससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो ये बहुत मेन सिम्टम है जो कि आपको जानना है, अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको सुबह में खांसी ज़्यादा आ रही है, ब्रेथलेसनेस ज़्यादा हो रही है, और आपको रात में सोते वक्त खांसी ज़्यादा आ रही है, तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिए और अपने डॉक्टर को बताइए कि आपको खांसी, सांस लेने में दिक्कत, वीजिंग साउंड, आपको गड़गड़ाहट कुछ महसूस हो रही है जब आप सांस ले रहे हैं, और आपको छाती में, चेस्ट में जकड़न, टाइटनेस फील हो रही है, तो आपको ये अस्थमा की तरफ लेकर जा रहे हैं, कुछ सिम्टम डायग्नोसिस की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आप मुझे, मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आपको अस्थमा है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको क्योर दिलाने में।